हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आज हम एक नए विषय के साथ उपस्थित हुए हैं, आगत ध्वनिया। आगत का मतलब होता है आया हुआ और ध्वनिया का मतलब आवाज, ठीक है। यानी वह ध्वनिया या वर्ण जो बाहर से आए हुए हैं। बाहर से मतलब यानी हमारी भाषा हिंदी भाषा के नहीं है, अंग्रेजी, अरबी, फारसी, उर्दू, ऐसी भाषाओं के शब्द जो कि हिंदी भाषा में शामिल हुए हैं, जैसे डॉल, आवाज आदि। जो आगत ध्वनि होती है बच्चों, वो दो प्रकार की होती है, एक तो आगत स्वर, दूसरा आगत व्यंजन। आगत स्वर को हम अ लिखते हैं, ठीक है। कुछ अंग्रेजी शब्दों को शुद्ध लिखने तथा उच्चारण करने के लिए अ का प्रयोग होता है। यानी जो आगत स्वर होता है ना, तो वो केवल अंग्रेजी के शब्दों में ही प्रयोग होता है। इसके उच्चारण में आ और ओ का प्रयोग होता है। यानी जब हम इसको बोलते हैं तो हमें आ और ओ की आवाज आती है। जैसे बॉल, बॉल का मतलब गेंद, वाटर मतलब पानी, क्लॉक घड़ी, डॉक्टर चिकित्सक आदि। अब बात करते हैं आगत व्यंजन की। जो आगत व्यंजन होते हैं बच्चों, उनके नीचे नुक्ता लगा होता है, जैसे ये लगा हुआ है। नुक्ता का मतलब होता है नीचे लगी हुई बिंदी, ठीक है। तो आगत व्यंजन 5 प्रकार के होते हैं, क, ख, ग, ज, प। नुक्ता लगाने से इन वर्णों के उच्चारण में अंतर भी हो जाता है। जैसे हमने बोला क, ख, ग, ज, प। और जो नुक्ते का प्रयोग होता है बच्चों, वो अंग्रेजी और फारसी, उर्दू, अरबी के शब्दों में होता है, ठीक है। तो अंग्रेजी और फारसी के शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए नुक्ता लगाते हैं, ठीक है। जैसे जमीन, मजहब, फौरन, सफर, फादर आदि। बच्चों, नुक्ता के प्रयोग से उच्चारण में अंतर हो जाता है। जैसे देखिए, इसको हमने बोला राज, इसे बोला राज, तो राज का मतलब हो गया शासन, ठीक है। यानी किसका राज चल रहा है, और राज मतलब रहस्य, ठीक है, यानी कोई गुप्त बात। जरा माने बुढ़ापा, जरा माने थोड़ा। तो बच्चों, आज हमने आगत ध्वनियाँ पढ़ी हैं। इन सभी का अभ्यास आप अपनी पुस्तिका में करेंगे और साथ में उच्चारण भी करके देखेंगे। धन्यवाद।